अमेरिका चीन व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे बाजार में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय शेयर बाजार में आज दिन भर उठापटक मची रही, लेकिन अंतिम आधा घंटे में बाजार संभला और सेंसेक्स 186 और निफ्टी 56 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 171 अंकों की तेजी के साथ 40,455 अंक पर खुला। सेंसेक्स आज दिन भर हरे निशान में ही बना रहा। शुरुआत में बढ़त के साथ खुलने के बाद इसमें गिरावट आई और ये 40,290 अंक के दिन के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन आज का कारोबार समाप्त होने से आधा घंटा पहले इसमें फिर तेजी आई और सेंसेक्स 40,544 अंक के दिन के उच्च स्तर पर पहुंचा। बाद में 186 अंकों की तेजी के साथ 40,470 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 11 कंपनियों में तेजी और 19 में गिरावट रही। भारतीय एयरटेल के शेयर में सबसे ज्यादा 7.36% की तेजी देखी गई, जबकि यस बैंक के शेयर 2.66% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ 11,919 अंक पर खुला। ये आज 11,959 अंक के उच्च और 11,882 अंक के निचले स्तर से होते हुए 56 अंकों की तेजी के साथ 11,940 अंक पर बंद हुआ। डीवी लाइव की रिपोर्ट।